नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल मौर्य। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है, कैसे पता करें। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन में क्रोम ब्राउजर ओपन करना है। अब आपको सर्च में माई आधार लिखकर सर्च कर देना है। जो पहली वेबसाइट आएगी आपको उस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, ये आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है। अब आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, चेक आधार वैलिडिटी, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब आपको इंटर आधार नंबर में आपको अपना आधार नंबर टाइप करना है। आधार नंबर डालने के बाद आपको यहां पर एक कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है। उस कैप्चा कोड को आपको इंटर कैप्चा के ऑप्शन पर फिल कर देना है। चलिए हम यहां पर कैप्चा कोड फिल कर देते हैं। कैप्चा कोड आपको एकदम सेम फिल करना है। इसके बाद अब आपको नीचे प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ऊपर आपको आधार नंबर दिख जाएगा आपका, इसके बाद एज दिख जाएगा, इसके बाद जेंडर के सामने आपको मेल है या फीमेल वो दिख जाएगा, इसके बाद स्टेट दिख जाएगा यहाँ पर, इसके बाद दोस्तों मोबाइल नंबर के सामने स्टार स्टार और लास्ट के तीन अंक दिख जाएंगे। जैसे यहाँ पर 324 हो रहा है, तो हमारे जिस मोबाइल नंबर के लास्ट में 324 है, वही हमारा मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ लिंक है। तो दोस्तों, इसी तरह से आप चेक कर सकते हैं कि आपके आधार कार्ड नंबर के साथ कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है। दोस्तों, अगर आपने कोई ऐसा आधार नंबर डाला है जिसके साथ कोई भी मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो आपको मोबाइल नंबर के सामने नल लिखा हुआ दिखाई देगा। जैसे कि आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, कुछ इस तरह से लिखा हुआ दिखाई देगा। अगर मोबाइल नंबर के सामने नल लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, तो दोस्तों उस आधार कार्ड नंबर के साथ कोई भी मोबाइल नंबर लिंक नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपको एक दूसरे वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।